चलो नेक्स्ट, प्लैंक्स का डायमेंशनल फार्मूला, प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल टू, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर होगा। अब आपको प्लैंक्स कांस्टेंट कहाँ कहाँ आता है वो आपको देखना पड़ेगा यार, ठीक है। और क्या एक तो तरीका हो गया कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लो, ई इक्वल टू एच नो, और सभी का निकालो और मैच कराओ, एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि जब मैं रोटेशन पढ़ाता हूँ मैं वही बता देता हूँ, या जैसे ये पढ़ोगे आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे या केमिस्ट्री पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें जो है एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला आता है, इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है तो उसकी एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है, निकाल सकते हैं उसका, और उसकी होती है एन एच अपॉन टू पाई होता है, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ठीक है। अब जो नहीं पढ़े हैं वो आगे पढ़ेंगे, या नहीं तो आपको सबसे आसान तरीका, जो नहीं पढ़े हैं ये मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, टाइम बचाने के लिए, ये नंबर है, ये डायमेंशनल लेस हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल होता है। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लोगे तो ये सब क्वेश्चन आपसे एक लाइन में होंगे। अब जिसको नहीं है फार्मूला याद है वो क्या करेगा, वो प्लैंक्स कांस्टेंट ई इज इक्वल टू एच न्यू से निकालेगा, हर एक का मैच कराएगा, कराओ टाइम ज़्यादा है तो।